आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही हो? कितने दिनों से बात करना चाह रहा हूँ मैं यार। हमारे दरमियान ऐसा कुछ बचा नहीं है कि आपका फोन उठाना मेरे लिए लाजमी हो। अख्तावर, सकलैन, मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरे लिए यहाँ आपसे खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं है। तो ठीक है, मेरे साथ चले, मुझे जरूरी बात करनी है तुमसे। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अख्तावर, तुमसे बात किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। सकलैन, अख्तावर, प्लीज लेट्स गो। तुम्हारी ये बेरुखी मुझे कितनी कितनी तकलीफ दे रही है, कोई अंदाजा है तुम्हें? ये बेरुखी नहीं है, मैं ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हूँ। आप शादी करने जा रहे हैं, किसी और का अपना नाम दे रहे हैं, ऐसे में हमारा ताल्लुक मुनासिब नहीं है। मैं किसी को अपना नाम नहीं देने वाला। तो उसका क्या, जिसके साथ जिंदगी भर जुड़े रहने की आज तारीख मुकर्रर की जा रही है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हम लोग एक ही खानदान के हैं, ये बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। और वैसे भी आपके यहाँ की सारी बातें हमारे घर में तो बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं। क्यों, आज अपने इन-लॉज में नहीं गए? नहीं, और यही मेरी मोहब्बत, मेरी मेरी वफादारी का सबूत है कि मैं वहां जाने के बजाय यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे पास। आज तो मेरे पास है, लेकिन शादी वाले दिन तो जाएंगे ना। जब किसी और से शादी करनी ही है तो मेरे लिए क्यों मुश्किल बना रहे हैं? मैं शादी नहीं कर रहा हूँ अख्तावर। तो क्या शादी वाले दिन इनकार करेंगे? सकलैन, मैं आपसे मोहब्बत जरूर करती हूँ, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं कतन ये नहीं चाहूंगी कि किसी लड़की की ऐन शादी वाले दिन बारात लौट जाए। तुम ही बताओ तुम क्या चाहती हो। जो तुम कहोगी मैं करने को तैयार, बोलो क्या करूं मैं? अगर आप वाकई शादी नहीं करना चाहते तो ये मामला आपको जल्द ही खत्म करना होगा। कितनी बार कोशिश की है, कितनी बार अम्मा से कहा है मैंने, साफ साफ इनकार कर दिया यार, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़ी हुई है, मैं क्या करूं? चाची तो यही करेंगी, लेकिन अगर आपको ये मामला खत्म करना है ना वाकई, तो आपको अपने होने वाले ससुराल जाना होगा और उनसे बात करनी है। ओके, करूंगा, ये भी कर लूंगा। ठीक है, जब आप ये सब कर लेंगे तब मुझे बता दीजिए। अख्तावर, देख रहे हैं, उस लड़के ने बताया था ना कि वो इस मेन सड़क से यहाँ आया था और उसके बाद 22 नंबर सड़क पे मुड़ गया था, क्योंकि यहाँ से उसका गांव करीब था, है ना? तो फिर उसके साथ डकैती की वारदात हो गई और उसको ट्रैप करने के लिए उन लोगों ने किसी जख्मी आदमी को सड़क पे लिटा दिया, लेकिन मिसेज मलिक को ट्रैप करने के लिए उन लोगों ने कांच के टुकड़े सड़क पे फैला दिए थे जिससे उनका टायर पंक्चर हो गया। हाँ हाँ, ये तो पता है सर जी। लेकिन जब मिसेज मलिक और उनके बच्चे वारदात के बाद मिले थे ना, तो उनका सारा कीमती सामान छिन चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि डकैती की वारदात होने के बाद उन्होंने मिसेज मलिक पे हाथ क्यों डाला। सर जी, इस सवाल का जवाब तो SSP साहब भी नहीं दे पा रहे, आप अपना वक्त की बर्बाद कर रहे हैं। वेरी गुड शरीफ, सबकी तरह तू भी मुझ पे तंज करेगा है? ओ नहीं सर जी, भला मेरी क्या मजाल है,
मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस केस को तो बड़े बड़े अफसरान नहीं हल कर पाए, कोई सुराग ही नहीं उनको मिला, तो आप क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे? करूंगा पता करूंगा, डकैतों का भी पता करूंगा और ये भी पता करूंगा कि डकैती की वारदात करने के बाद उन्होंने बस की नहीं। वहां पता करेंगे हैं? चलो आ जा। बहुत अच्छा लगा बेटा तुम यहाँ आए। हमारा ने बताया था कि किसी इमरजेंसी की वजह से तुम नहीं आ सके, लेकिन खैर मिलना ही तो था, अभी मिल लिए। जी हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी नहीं थी। मैं असल में सिरे से यहां आना ही नहीं चाह रहा था। आज जो आया हूं उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आपसे साफ साफ बात कर लूं। सर निहायत माजरत के साथ मैं ये शादी नहीं करना चाहता। बस माँ के सर में खाक डलवा के पड़ गई ठंडक तुम्हारे कलेजे में, यही चाहते थे ना इस उम्र में। जब आप मेरी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ जी? समझने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। कुछ पता भी है कितनी जलील हुई मैं वहां जाके, कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे वहां पे, पता नहीं कैसे संभाला होगा ये सब कुछ पहले। हाँ तो ना संभालती ना, मैं तो पहले इनकार कर चुका हूँ। बस भी कर दें सकलेन भाई, क्यों बात को तूल दे रहे हैं? आपकी शादी ही करवा रहे हैं, कोई सजा तो नहीं दे रहे? बख्तावर के अलावा किसी से भी शादी मेरे लिए सजा से कम नहीं है। नाम मत लो उसका मेरे सामने, और सिर्फ उसी का नहीं, उसके पूरे घर वालों में से किसी का नाम नहीं सुनना चाहती मैं, उसके घर की एक ईंट तक नहीं देखना चाहती मैं, समझे तुम? नफरत है मुझे उन सब लोगों से, और तुम बख्तावर बख्तावर करते रहते हो। अरे ये सफीना बीबी के घर से वापस आएंगे क्या? अरे मगर क्यों, अभी तो देखे आए, हमारा ये क्या क्यों सब कुछ वापस आ गया? क्योंकि अब वो यहाँ शादी नहीं करेंगे, मैं वहां जाके इनकार कर आया, और इनकार की वजह भी साफ साफ बता दी है मैंने। वो किसी ऐसे शख्स से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे जिसके जिसके दिल में कोई दूसरी औरत हो। सकलेन, अरे इसने क्या कर दिया, ये लड़का मुझे मार के रहेगा। उफ़ रे जी, मत। नूरा, नूरा पानी लेके आओ। बीपी शूट कर गया है मेरा। आजी आप फिक्र हमारा इसने क्या कर दिया।